सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। सांसद नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, चुनावी हलफनामे में फर्जी जाति प्रमाण देने का है आरोप। अगले संसद सत्र में खत्म हो जाएंगे 1500 पुराने कानून, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दी जानकारी। केटीआर ने पीएम मोदी को लिखा पोस्टकार्ड, हथकरघा उत्पादों पर 5% जीएसटी वापस लेने की अपील की। पुणे के भोजनालय में आग लगने से 6 साल की बच्ची की मौत, फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गांधी परिवार से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द, कानूनी उल्लंघन के आरोप। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी भाजपा, त्रिपुरा मोथा से गठबंधन करने से किया इनकार। कांग्रेस ने केंद्र के रोजगार मेले को बताया इवेंट बाजी, पूछा 16 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ। प्रशांत किशोर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज, कहा 26 एमपी वाला गुजरात मालिक 39 सांसद भेजने वाले मजदूर। टीएमसी सांसद डेरिक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा रोजगार मेले को बताया प्रचार का हथकंडा। असम के वैष्णोमठ के 17 अधिकारी और आध्यात्मिक नेता वरिष्ठ देव शर्मा का निधन, राज्यपाल मुख्यमंत्री ने जताया दुख। केरल के कानून मंत्री की धमकी पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पढ़ाया संविधान का पाठ, का भूलो मत, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। गुमनामी बाबा की डीएनए रिपोर्ट देने से केंद्र का इनकार, कहा विदेशी संबंधों के लिए खतरा। उत्तरी अंडमान सागर में कल चक्रवात सितरंग का खतरा, बंगाल की खाड़ी में न जाने की चेतावनी। पीएम मोदी ने कहा उस संरचना पर 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे, अगस्त में ईपीएफ से 17 लाख लोग जुड़े। इसरो के सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च, ब्रिटिश कंपनी के सभी उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे गए। लखनऊ में पूर्व आईजी की आग से झुलसकर मौत, घर में आग लगने से फंसा पूरा परिवार, पत्नी और बेटा हॉस्पिटल में भर्ती। बच्चे को खंभे से बांधकर 3 घंटे पीटा, लोगों को शक था कि उसने मोबाइल चोरी किया, पानी मांगने पर मुंह में मिर्च ठूसी। इटावा में प्राइवेट बस डंपर की टक्कर में 4 की मौत, 46 यात्री घायल, 50 यात्रियों को लेकर देवरिया से अजमेर शरीफ जा रही थी। नकली प्लेटलेट्स बेचने वालों पर लगेगा गैंगस्टर, पुलिस ने 10 आरोपियों को भेजा जेल, नकली प्लेटलेट्स चढ़ने से डेंगू मरीज की हो चुकी है मौत।
औरैया में सड़क किनारे पड़ा मिला मजदूर का शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका, एक दिन पहले सामान खरीदने निकला था। हमीरपुर में पुलिस से शिकायत करना पड़ा महंगा, युवक को लाठी डंडों से पीट कर किया मरणासन्न, रुपए छीनने की शिकायत से थे नाराज। शाहजहांपुर में नवविवाहिता ने जहर खाकर जान दी, हाथ से छूटकर पेचक गया था बर्तन, सास और पति ने लगाई थी फटकार। कन्नौज में घर के बाहर युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में कानपुर रेफर, 2 डिसमिल जमीन के लिए रिश्तेदारों ने ही मार दी गोली। आगरा में बच्चे की किडनैप के बाद हत्या, 4 साल के मासूम के सीने में गोली दागी, आरोपी बच्चे को ढूंढने का 4 घंटे करता रहा ड्रामा। कुशीनगर में किसान नहीं मनाएंगे दिवाली, चीनी मिल पर किसानों का 44 करोड़ बकाया, तहसील में देंगे धरना। मेरठ के बैंक मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका, बुधवार को वेस्ट बंगाल गए थे। दीपावली पर 4 जोन और 30 सेक्टर में बांटा शहर, शहर में संवेदनशील स्थानों पर आरएएफ का पहरा। कन्नौज में धनतेरस की रात में 2 घरों में चोरी, आपस में है रिश्तेदार, दोनों का परिवार गया था कानपुर देहात। चंदौली में युवक के हत्यारे तक पहुंचे पुलिस, 5 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही शक की सुई, कॉल डिटेल में विवाहित महिला की भूमिका मिली। हमीरपुर में खाद के लाइन में किसान, बाजार से 150 रुपए कम है कीमत, देर रात से वितरण केंद्र पहुंच रहे किसान। पिता ने गर्भवती बेटी को 1 लाख में बेचा, बहराइच में खरीदने वाले ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, अयोध्या में पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, बिना पूछताछ नहीं मिल रहा है प्रवेश। रीवा हादसे में अब तक बलरामपुर के 10 लोगों की मौत, 7 शव पहुंचे गांव, 35 घायलों में 9 बलरामपुर के निवासी, दिवाली पर लौट रहे थे घर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी नहीं मनाएंगे दीपावली, मुलायम सिंह यादव के निधन में शोक में लिया निर्णय। उन्नाव में त्योहार पर एक्टिव हुए साइबर ठग, ऑफर्स का लालच देकर लोगों को बना रहे हैं अपने शिकार। कन्नौज में चक्की स्पेलर और सोलर में प्लांट में लगी आग, 15 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। कानपुर देहात में नवविवाहिता की मौत, मायके वालों को बताए बिना किया अंतिम संस्कार, पिता ने हत्या का लगाया आरोप। ट्रेन से यात्रियों को फेंकने वाली सिपाही निलंबित, प्रयागराज में जीआरपी के 2 सिपाही ने टिकट चेकिंग के दौरान की थी मारपीट। देवरिया के सूचक गांव पहुंचे एसीएमओ, एक्सपायर इंजेक्शन लगाने की पड़ताल की, बजनों के लिए बयान। गौतम बुद्ध नगर में त्योहारों को लेकर अलर्ट दिखी पुलिस, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने किया पैदल मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा।
गाजियाबाद में शिवा ढाबे के मालिक अंकित डागर को सनी चौधरी ने मारी गोली, घटना में एक आरोपी गिरफ्तार। दीपावली में कूड़ा उठाने के लिए चलेगा विशेष अभियान, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कई इलाकों का किया निरीक्षण। अलीगढ़ डीएम का बड़प्पन फिर आया सामने, डीएम ने निरीक्षण के बीच ग्रामीण महिला से मांगकर खाई रोटी। बलिया में ग्राम सभा की जमीन के विवाद में चली गोली, गोली लगने से युवक घायल, मौके पर मौजूद लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। हरदोई में एसडीएम ने सीएसएन कॉलेज में लग रहे दुकानों का किया निरीक्षण, शासन को दिशा निर्देश का पालन करने के लिए दिए निर्देश। सऊदी अरब जाकर एक महीने किसी और के संग रहने का बनाया दबाव, पत्नी नहीं मानी तो दिया तीन तलाक। उत्तराखंड में दिवाली मनाने गया था परिवार, पहाड़ से घर पर गिरे बड़े पत्थर, सोते हुए दफन हो गए लोग। उत्तराखंड में कमजोर पड़ा पश्चिमी विपक्ष, दीपावली पर उत्तराखंड में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। गैंगस्टर सहित पांच को मिली जमानत, साक्ष्यों के अभाव के चलते अब तक नौ जमानत पर आए बाहर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में छठ महापर्व को लेकर आठ घाट पर तैयारियां पूरी, 28 को नहाए खाए। सीएम धामी ने किया दीपदान, 51,000 दियों से जगमगाया द्रोण सागर, महाभारत से जुड़ा है इलाका। पहाड़ के प्रेम से पीएम हुए अभिभूत, महिला सरपंच के अभिनंदन पत्र को सराहा, जताया आभार। काफिला रोक मिट्टी के दिए खरीदने पहुंचे मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। उत्तराखंड में थाने के बाहर हरीश रावत का हठयोग, भाजपा ने कसा तंज का लुगी डांस, ने नहीं चमकती राजनीति। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को दीपावली के बाद तैनाती, 288 भर्तियां की गई थी रद्द। देहरादून परिवहन विभाग ने तबादलों पर 15 दिन का समय और मांगा, कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताई आपत्ति। उत्तराखंड को चमोली में भूस्खलन के बाद गिरे बोल्डरों से तीन मकान क्षतिग्रस्त, परिवार के चार लोगों की मौत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, हर की पैड़ी के सामने दे दूंगा प्राणों की आहुति या फिर निरस्त होंगे मुकदमे। उत्तराखंड रोडवेज हल्द्वानी से मुक्तेश्वर लमगड़ा जैसे पर्वतीय रूटों के लिए करेगा अनुबंधित बसों का संचालन। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट विधि विधान से बंद, कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने, बोले दुनिया को चीन की जरूरत है, टॉप लीडरशिप में एक भी महिला नहीं।
चार महीने बाद सुनक से मिले जॉनसन। दोनों नेताओं ने पीएम पद के नामांकन को लेकर चर्चा। 28 अक्टूबर को होंगे नए प्रधानमंत्री का चुनाव। अमेरिका के फ्लोरिडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ ने ढाया अपना कहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चीन के साथ फिर देखा पाकिस्तान का लगाव। पीएम शहबाज ने शी जिनपिंग को दी सबसे पहले बधाई। जेलेंस्की ने दिखाए तेवर, दिया पुतिन की धमकियों का जवाब। बोले अगर क्यों पर क्या परमाणु हमला, पश्चिम देगा जवाब। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर हत्या की कोशिश का आरोप। इस्लामाबाद में दर्ज एफआईआर। चीन में सियासी उठापटक। पूर्व राष्ट्रपति हुन जिताओ को पार्टी की बैठक से जबरन निकाला गया। पीएम भी किए गए बाहर। अफगानिस्तान में पूर्वी प्रांत पक्तिका में धमाका। दो बच्चों की मौके पर मौत, दो अन्य घायल। हिजाब के खिलाफ ईरान में फिर भड़के प्रदर्शन। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी और आंसू गैस का किया इस्तेमाल। लंदन लौटे पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। पीएम पद के लिए पेश कर सकते हैं दावेदारी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंथली रिपोर्ट। बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंडिया की स्थिति दूसरे देशों से अच्छी। ओला ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। 80,000 रुपए से मिलेगा S1 का अपडेट मॉडल। राजस्थान में अब इंटरनेट हाई स्पीड। अंबानी बोले देश के कोने कोने में जल्द पहुंचेगी 5G सेवा। नाथद्वारा से शुरुआत। एनर्जी ड्रिंक रेडबुल के मालिक डीट्रिच मास्टरस्टर्ज का निधन। 78 की आयु में ली अंतिम सांस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से 12वीं पास तक के लिए मौका। आम्रपाली ग्रुप के संस्थापक अनिल शर्मा की अंतरिम जमानत। बड़ी स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। दिवाली से पहले इन कंपनियों पर छप्पर फाड़कर बरसा पैसा। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर। सेबी ने बॉम्बे ड्राइंग और उसके प्रमोटर्स पर लगाए 2 साल का बैन। 15.75 करोड़ का लगा जुर्माना। SBI में FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। 1 साल की FD पर अब मिलेगा 6.10% ब्याज। यहां देखे नहीं ब्याज दरें। गूगल पर लगा जुर्माना। एंड्रॉइड में प्री इंस्टॉल गूगल ऐप्स डिलीट नहीं होते, इससे बाकी ऐप को होता है नुकसान। सुपर 12 में श्रीलंका की आसान जीत। आयरलैंड को 9 विकेट से हराए। 3 बैटर्स ने सारे रन बना डाले। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मोहम्मद शमी बने लेग स्पिनर। फिरकी में उलझे दिनेश।
भारत और पाकिस्तान मैच से पहले फिर वायरल हुए ओ भाई मारो मुझे वाले मोमेंट, बारिश में भी हुई तो हम पानी इकट्ठा करेंगे। ग्लेन फिलिप्स के कैच ने किया अभिभूत, फैंस बोले कि ऐसे तो सुपरमैन ही पकड़ सकता है। द बॉल नहीं बनेंगे भारतीय खिलाड़ी, कोच राहुल द्रविड़ बोली बाउंड्री के बाहर देखना चाहता हूं गेंद। भारत पाक मैच से पहले गांगुली ने दिया जीत का मंत्र, बोले पहले क्या हुआ उस पर ध्यान मत दो। भारत पाक मैच से पहले धोनी का बयान, वर्ल्ड कप में इंडिया की दावेदारी के सवाल पर बोले मैं इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं। इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया, सैम करन ने झटके 5 विकेट, राशिद खान ने 4 ओवर में दिए सिर्फ 14 रन। न्यूजीलैंड के लिए फिल एलन विस्फोटक पारी, 262.5 के स्ट्राइक रेट से 42 रन बनाए, पावर प्ले में ही निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया की जान। मैच में सऊदी की बॉल बॉर्नर के बैट 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 के बाद स्टंप में लगी। फैंस को मिला सरप्राइज, मेकर्स ने रिलीज किया आदि पुरुष का नया पोस्टर, यूजर बोले जय श्री राम। अक्षय को काफी उम्मीदें, 25 अक्टूबर को थिएटर्स में आएगी, पिछले 2 साल में रिलीज सभी फिल्में रही फ्लॉप। एम रवि को हुआ कोरोना, एक्टर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। दिवाली बैच में पहुंचे मलाइका अरोड़ा, नियॉन बॉडी कॉन रेस में दिखी बेहद स्टाइलिश लुक ने जीता फैंस का दिल। रिया चक्रवर्ती का देशी अवतार, दिवाली से पहले गोल्डन साड़ी में जगमगाती नजर आई एक्ट्रेस। बैकआउट में ब्रेक खूबसूरत दिखी जानवी, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा बॉलीवुड की काइली जॉनर। धनश्री वर्मा का थ्रोबैक वीडियो हुआ वायरल, ट्रेंडिंग सॉन्ग पर बनाई रील, शेयर किया डांस वीडियो। राजू श्रीवास्तव की पत्नी ने शेयर किया थ्रोबैक वीडियो, गाना गुनगुनाते नजर आए लेट कॉमेडियन, फैंस हुए इमोशनल। दिवाली पार्टी में पहुंची काजोल, अजय की बेटी ग्लैमरस लुक में दिखी न्यासा देवगन, गोल्डन लहंगे में दिखा खूबसूरत अंदाज। करिश्मा तन्ना की दिवाली पार्टी, रेड सलवार सूट में बॉयफ्रेंड असलान गोनी के साथ पार्टी में पहुंची सुजैन खान। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।